नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह। दोस्तों, इस वीडियो में 1 किलोवाट का स्टेबलाइजर तैयार करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये 1 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है। उसके दोस्तों जो वायर हैं, बहुत से कमेंट आए कि सर ये वायर कैसे लगाने चाहिए। तो दोस्तों, ज़्यादातर स्टेबलाइजरों में इस तरह के वायर होते हैं। देखिए दोस्तों, किसी किसी में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लगे होते हैं, किसी में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लगे होते हैं। दोस्तों, जैसे भी वायर निकले हुए हैं वो अपने हिसाब से निकाले जाते हैं। आप चाहे ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब भी कॉइल बने तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। इन तीनों ट्रांसफार्मर में से किसी भी तरह से वायर हैं वो निकले हुए होते हैं, अभी जैसे चाहें वैसे निकलवा सकते हैं इससे। दोस्तों जो कॉइल मार्केट में मिल जाती हैं उनमें इन्हीं तरह के वायर निकले हुए होते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, जो स्टेबलाइजर में कि जो वायर हैं उनके दोस्तों ऊपर जो वार्निश लगी हुई होती है, इसी वजह से ये आपस में करंट नहीं मारते हैं। इस वजह से दोस्तों ये आपस में शॉर्ट नहीं होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी वार्निश हटा देंगे सारे वायरों की। दोस्तों, ये इसकी मेन वायर होती है और इसके नंबर बाय नंबर 8 वायर होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों
नंबर से लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका जिस तरफ दोस्तों सिंगल वायर निकली हुई होती है वो एक नंबर पिन होती है। तो ये हमारी सिंगल वायर निकली हुई है तो हमारा एक नंबर की पिन यही है। एक नंबर की पिन को एक नंबर में जोड़ देते हैं। अब दोस्तों मीटर में ये एक ये तार लगेगा और दूसरा दोस्तों जो इंडिकेटर लगे हुए हैं
तो दोस्तों लाल और हरे दोनों रंग के एक एक इंडिकेटर का तार तो दोस्तों ये तीन वायर हो गए हैं। तीनों वायर को इकट्ठा कर लेना है और इसको वोल्ट मीटर के एक पिन में लगा देना है। इसको दोस्तों सोल्ड बाद में करेंगे। अब दोस्तों एक वायर को जो 5-पिन साकेट है इसकी दूसरी वाली पिन में लगा करके और वोल्ट मीटर के दूसरी वाली पिन में लगाना है। देखिए दोस्तों एक वायर लगा ली है। अब दोस्तों इसी वायर में जो हरे रंग का इंडिकेटर लगा हुआ है इसकी वायर और ये 5-पिन की वायर दोनों को इकट्ठा कर लेना है। अब दोस्तों यही वायर वोल्ट मीटर की दूसरी वाली पिन में लगेगी। इसको दोस्तों ऐसे ही अमेट लेते हैं। इसको सोल्ड बाद में करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारा अप डाउन स्विच है उसके कनेक्शन करेंगे। दोस्तों उसके कनेक्शन के लिए दो वायर लेने हैं। तो दोस्तों इसका इस पॉइंट से इस पॉइंट में और इस पॉइंट से इस पॉइंट में दोस्तों इस तरह से इसके वायर जोड़ देना है। इस तरह से दोस्तों इसके पॉइंट ज्वाइंट कर देने हैं, इसका इस पॉइंट में और इसका इस पॉइंट में।
ये देखिए दोस्तों, रिले की मेन पिन है। तो दोस्तों ये हमारी रिले की मेन पिन है। ये दोस्तों हमारे कट प्लेट की पिन है। ये दोस्तों हमारी इंडिकेटर की पिन है। ये दोस्तों हमारी आउटपुट की पिन है। तो दोस्तों मेन पिन में हमने वायर जोड़ दिए। दोस्तों ये 909 की एक वायर बची हुई है, तो दोस्तों ये भी रिले की मेन पिन में लगेगी। इसको भी दोस्तों लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो हमारा एक इंडिकेटर जो कि कट वाला बचा हुआ था, तो दोस्तों ये हमारी रिले में, क्योंकि दोस्तों पहले से ही बता चुके हैं दूसरे नंबर ऊपर से दूसरे नंबर पे जो हमारा इंडिकेटर का है, तो इसमें दोस्तों इंडिकेटर लगा लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो सबसे आखिरी हमारा आउटपुट बचा हुआ है, तो दोस्तों आउटपुट की तार आउटपुट में लगा करके 5-पिन सॉकेट में लगेगा, तो उसको भी दोस्तों लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार दोस्तों आउटपुट वाली पिन में लगा लीजिए। दोस्तों ये देखिए सबसे आखिरी वाली में रिले में, तो यही वायर दोस्तों जो हमारा 5-पिन सॉकेट है, दोस्तों इसी में लगेगा सबसे आखिरी वाली। इसमें दोस्तों तो दोस्तों वैसे तो सारे कनेक्शन हो चुके हैं, अब इसमें कट करना बाकी है। तो दोस्तों जो 909 में बीच वाला वायर लगा हुआ है ये हमने काट दिया है। तो दोस्तों इसमें 0-18 वोल्टेज चाहिए होते हैं कट करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसको चेक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों इसको चेक कर लेते हैं।